ब्रह्म जी मेरे चलो मेरे को भाई आज हमारे पीछे खड़ी है एंटॉक 125 रेस एक्सपी एडिशन। पता नहीं वाले इस वीडियो के अंदर भाई कितनी की पड़ रही है प्रेशर, कितनी की पड़ रही है आपको ऑन रोड दिल्ली प्राइसिंग के अंदर, और क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं स्कूटी के अंदर। भाई स्कूटी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है इस कलर के अंदर, तो फटाफट से करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करने की देरी के। बात करते हैं सबसे पहले स्कूटी के फ्रंट के लुक से, तो भाई यहाँ पर आ जाते हैं। तो भाई यहाँ पर आपको पूरा मिलता है, आपको वाइजर जो मिलता है आपको मैट फिनिश के अंदर, यहाँ पर आपको मिलता है इंडियन फ्लैग, क्योंकि आपको टीवीएस की हर प्रोडक्ट के अंदर आपको इंडियन फ्लैग मिलता ही मिलता है आपको। एंड यहाँ पर मिलता है आपको अपना वाइजर जो मिलता है आपको अपना कुछ इस तरीके से छोटा सा मिलता है आपको, जो मिलता है ब्लैक रंग के अंदर आपको। बाकी यहाँ पर मिलती है आपको अपनी स्मार्ट एक्स कनेक्टेड बैंडिंग, बिल्कुल भाई इस स्कूटी के अंदर भी आपको अपना मैसेज वगैरह कॉल असिस्ट वगैरह आपको सारे फीचर मिलते हैं, जैसे टाइम लैप्स वगैरह मिलते हैं आप इसके अंदर आपको। एंड भाई अपनी स्कूटी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ मिलती है, मतलब सीधी बात यह है। और इधर नीचे बात करते हैं तो इसके नोज पे आते हैं, तो यहाँ पर मिलता है टीवीएस का लोगो, मतलब लोगो में पूरी टीवीएस की ब्रांडिंग मिलती है आपको 3D एलिमेंट्स के साथ में। यहाँ बात करते हैं यहाँ पर मिलती है आपको नंबर प्लेट की प्लेसमेंट जो मिलती है प्लास्टिक फ्रेम के साथ में, और जो उसकी नोज मिलती है वो मिलती है आपको ग्लॉसी ब्लैक के अंदर। बाइक जो स्कूटी कलर है वो मिलता है आपको ऊपर मैट फिनिश, एंड मिलता है आपको ग्लॉसी फिनिश का टच मिलता है आपको देखने में, जैसे कि नोज मिलती है ऊपर मिलता है ये आपको मिलता है ग्लॉसी मिलता है। बाकी पूरी स्कूटी मिलती है आपको मैट फिनिश के अंदर, साथ में टेक्सचर दिया हुआ है आपको ग्लॉसी ब्लैक के साथ में, ओके। एंड भाई नीचे बात करें अपने हेडलैम्प्स की, चाबी ऑन कर देते हैं, तो उससे पहले दिखाया था आपको अपने इंडिकेटर, इंडिकेटर मिलते हैं आपको सिंपली मिलते हैं हेडलैम्प बल्ब के अंदर, बट मिलते हैं आपको अपने हजार्ड के साथ में, आपको चार नंबर मिल जाते हैं आपको इसके अंदर जलते हुए। एंड नीचे दिखाते हैं तो भाई यहाँ पर मिलते हैं आपको अपने DRS, काफ़ी सुंदर लगते हैं देखने में आपको उस तरीके से। एंड यहाँ पर आपको नीचे हाई बीम लो बीम दोनों सपोर्ट मिलते हैं आपको अपने, इसके LED मिलता है सेटअप पूरा हेडलैम्प का, एंड काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगते हैं, एग्रेसिव लुक आता है इसका, काफ़ी ज़्यादा अपनी फ्यूचरिस्टिक इसकी डिज़ाइन लगता है मेरे एंड टॉप का एंड पर। जब से ये वाला इसका लुक आया ना, इसमें मैट ब्लैक और इसमें कलर रंग और रेड रंग के, जब से स्पोर्ट लुक काफ़ी अच्छी निकल के आती है लुक वगैरह स्कूटी की। एंड बाकी हेडलैम्प दिखा दी मैंने आपको, नीचे मिलता है इसका मडगार्ड जो मिलता है आपको प्लास्टिक फिनिश के अंदर, बट आपको हाफ मिलता है मडगार्ड आधा मिलता है आपको उसके अंदर मैट फिनिश के अंदर, और ये पार्ट जो मिलता है वो मिलता है आपको उसका ग्लॉसी फिनिश के अंदर। एंड यहाँ नीचे लगे मिलते हैं आपको टेलीस्कोपिक फॉक्स सस्पेंशन आपको दोनों तरफ, एंड जो इसका डिज़ाइन अपने लगा उसका वो कुछ चेंज नहीं करा, सेम ऐसे रह गया। और जो आपको टायर मिलता है वो मिलता है आपको टीवीएस का जो मिलता है ट्यूबलेस टायर, एंड बाकी टायर साइज की तो भाई यहाँ पर आपको 12 इंच का मिलता है आपको ट्यूबलेस टायर, यहाँ पर दिख रहा होगा थोड़े से टायर थोड़ा गंदा हो रखा है तो उसके थोड़ा सॉरी बाकी दिखा दिया मैंने आपको, जूम मार देता हूँ, ओके। एंड भाई यहाँ पर आपको 220 mm में मिलती है आपको अपने डिस्क साइज, जो काफ़ी छोटी सी मिलती है आपको, बट ब्रेकिंग पाइट काफ़ी अच्छी हो जाती है इसके मुकाबले। एंड भाई यहाँ बात करते हैं साइड में, स्कूटी में आपको 155 mm मिलते हैं स्कूटी के अंदर ग्राउंड क्लियरेंस, एंड यहाँ पर आपको टीवीएस रेसिंग की मिलती है बिल्डिंग, बाकी यहाँ पर आपको पूरा मिलता है पार्ट फाइबर फिनिश के अंदर। एंड बाकी थोड़ा सा यहाँ पर आपको ना कार्बन फाइबर टच दिया हुआ है, नकली वही ओरिजिनल लगा नहीं आता है, पर टेक्सचर आपको उस तरीके से दिया हुआ है उस तरीके से। एंड बात करते हैं स्कूटी के स्पेस की, तो यहाँ पर अगर हम बैठते हैं मान लो, तो हमारे पैर कैसे आते हैं, तो भाई आपके पैर आराम से ईजिली आ जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आप एक 20 लीटर की बोतल जो होती है ना आप उसको ईजिली कैरी नहीं कर पाओगे, भाई यहाँ पर ना स्पेस काफ़ी कम मिल जाता है। मेरा तो शूज़ यहाँ पर पूरा भी ऐसे खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, पिछड़ा देखो बीच में तो बहुत आ नहीं पाएगी आराम से, तो थोड़ा बहुत सामान आप उसमें कैरी कर सकते हो। यहाँ पर मिलता है आपको हैंगर जिसमें आपको सामान वगैरह इजीली आप कैरी कर सकते हो यहाँ पर भी, और एक चीज़ और वो बात बताऊँगा पर आपको मैं, और इधर आते हैं तो भाई यहाँ पर आपको मिलती है फुटर्स जो मिलती है एल्यूमिनियम के अंदर इस तरीके से, जो फोल्ड आप अनफोल्ड कर सकते हो मैनुअली। एंड आप यहाँ पर एनटॉक 125 की मिलती है ब्रांडिंग, जो भाई एनटॉक की जिसकी आउटलाइन थी ना काफ़ी अच्छी तरीके से करी गई है, जो रेड फिनिश में दी है, तो इससे काफ़ी निकल के आ रहा है इसका एंटॉक 125 की ब्रांडिंग वगैरह। बाकी ग्लॉसी फिनिश के अंदर मिलते हैं इसके स्टिकर्स वगैरह, यहाँ पर मिलते हैं 125 की ब्रांडिंग, बाकी मिलते हैं आपको कुछ ग्राफिक्स वगैरह इस तरीके से, बाकी ये भी आपको पूरा मिलता है ब्लैक फिनिश के अंदर। और नीचे मिलते हैं आपको अपना फैन मिलता है जो रखते मिलता है आपको रेड कलर का, बाकी मिलता है एग्जॉस्ट साउंड काफ़ी अच्छी करती है ये बात तो माननी पड़ेगी। एंड बाकी यहाँ पर थोड़ा सा आपको स्टील है, स्टील में आपको थोड़ा सा मिल जाता है कुछ पार्ट वगैरह कवरिंग करने के लिए, बाकी प्लास्टिक वगैरह मिलता है इसके अंदर। और जो दिखाया इसके अंदर सस्पेंशन मिलता है जो मिलता है आपको स्प्रिंग टाइप का, उसमें दिखाऊंगा अगर लगा हुआ है। एंड इसमें भी आपको पीछे लगा हुआ है टायर जो लगा हुआ है टीवीएस कंपनी का जो मिलता है ट्यूबलेस के साथ में। पीछे वाले टायर से बात करें तो भाई यहाँ पर आपको 110, 80, 12 इंच का मिलता है आपको पीछे वाला ट्यूबलेस चार, बाकी सेम मिलता है आपको एलोय डिजाइन कलर मिलते हैं आपको उसके अंदर एलोय का, रेड मिलता है आपको जो मिलता है क्रॉसी के अंदर। एंड यहाँ पर लगे वर्ष लगे हुए इस तरीके से। एंड बाकी यहाँ पर भी आपको कुछ टेक्सचर दिया है कुछ कार्बन फाइबर टच में ऐसे टेक्सचर दिया होगा इस तरीके से, बाकी ये मिलते हैं इसके अंदर।
ये मिलते हैं ग्रिप हैंडल्स, जो मिलते हैं आपको एल्यूमिनियम के अंदर, मिलते हैं मैट फिनिश के अंदर, काफ़ी सॉलिड मिलते हैं इसके अंदर। और पीछे मिलते हैं आपको लाइट जो मिलती है एनटॉप की, एक बार दिखाता हूँ कैसी मिलती है। तो करता हूँ अपनी आपको ऑन, तो भाई चाबी हो चुकी है ऑन अपनी। तो भाई आपको काफ़ी सुंदर सी मिलती है लाइट जो मिलती है आपको इस तरीके से, पूरी मिलती है पैलेट के अंदर। एंड अगर मैं इसको ब्रेक प्रेस करता हूँ तो भाई ये लाइट है कुछ ऐसा रिस्पॉन्स करेगी ब्रेक पे। और नीचे मिलती है आपको लाइट जो मिलती है आपको हैलोजन लाइट, यहाँ पर नंबर प्लेट के प्लेसमेंट के साथ में। यहाँ पर मिलता है आपको टीवीएस का ब्रांड नहीं मिलती, मिलते हैं इंडिकेटर जो मिलते हैं आपको सिंपली हैलोजन बल्ब के अंदर, बस मिलते हैं आपको हेडलाइट के साथ में ही है। एंड और तो भी बचा नहीं स्कूटी के अंदर। इधर आते हैं तो भाई इधर आपको साइड में एनटॉप 125 की मिलती है, अगेन ब्रांडिंग वगैरह इस तरीके से। और बाकी यहाँ पर मिलती है कुछ क्रैप हैंडल वगैरह दिखा दी मैंने आप सभी को। एंड यहाँ से बाइक अपनी स्कूटी का लॉक अपना ओपन कर सकते हैं, एंड आपकी स्कूटी का जो पेट्रोल टैंक है वो भी यहीं से ओपन होगा। एंड यहाँ पर आपको 5.8 लीटर की मिलती है एनटॉप ई20 मिलती है ब्रांडिंग के साथ में आपको, मतलब मिलती है ई20 सबों के साथ मिलती है आपको। 5.8 लीटर मिलता है फ्यूल टैंक कैपेसिटी। एंड आपको यहाँ पर दिख रहा होगा हेलमेट वगैरह रखने के लिए स्पेस, और आपको फ्यूल टैंक खोलने के लिए आपको इसे खोलना है, और हेलमेट रखने के लिए आपको इसे खोलना है, वो दिखा दूंगा आपको मैं। बाकी अगर बात करूँ इसके अपने इंजन की, तो भाई यहाँ पर आपको सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक एयर कूलर मिलता है जो मिलता है 3 वॉल्व के साथ में। अगर बात करूँ उसे पावर प्रोड्यूस, जो एक स्कूटी कितना पावर प्रोड्यूस करती है, तो भाई आपको 10.2 PS की पावर प्रोड्यूस करती है। बाकी जैसे मैक्स टोर की कितना एनएम टॉप प्रोड्यूस करती है, तो भाई आपको 10.9 NM का टॉप प्रोड्यूस करती है, काफ़ी अच्छी खासी पावर प्रोड्यूस कर देती है 125 cc के हिसाब से। और बाकी यहाँ पर आपको मिलते हैं क्लच कवर वगैरह सीरीज से, स्कूटी मिलती है आपको पिक वगैरह स्टार्ट, और यहाँ पर मिलती है टीवीएस की ब्रांडिंग वाइट रंग के साथ में। बाकी मिलता है इसका फिल्टर बॉक्स, बाकी यहाँ पर मिलता है सस्पेंशन जो मिलता है आपको स्प्रिंग टाइप मिल जाते हैं। एंड बाकी मिलता है इसका लेटेस्ट फोटोज मिल जाती है आपको उस तरीके से। एंड यहाँ पर मिलती है फोटोज जो मिलती है एलुमिनियम में, मिलती है एडजस्टेबल साथ में, स्कूटी में जाता है फोटो प्लस स्टैंड और मिल जाता है साइड स्टैंड वगैरह इस तरीके से। और अब दिखाते हैं आपको इसका मीटर वगैरह। तो भाई यहाँ पर आपको की के ऊपर, तो भाई यहाँ पर आपको टीवीएस की मिलती है ब्रांडिंग साथ में जो मिलती है, फिजिकल की नॉर्मल की मिलती है आपको। एंड इसको करते हैं अपने इंसर्ट, और भैया क्या करें, इसको करते हैं ऑन फटाफट से, तो बहुत टाइम हो गया। अरे क्या हो गया, हो गया भाई ऑन। तो भाई यहाँ पर आपको मिलती है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का मिलता है पूरा ऑप्शन, हेलमेट पर दिखा रखा है। इसके अंदर आपको वॉइस असिस्ट भी मिल जाता है। एंड इसमें आपको मिलते हैं 2 मोड जो मिलते हैं स्ट्रीट मोड लगा हुआ है इसके अंदर, एक मिल जाता है आपको रेस मोड, 2 मोड मिलते हैं। बाकी आपको राइट स्टार्ट लास्ट लैप बेस्ट लैप स्ट्रीट मोड वगैरह, बाकी टेम्परेचर दिखाती है, फ्यूल दिखाती है कितना कम है कितना है, हेडफोन दिखा रखा है, टाइम दिखा रखा है। एंड आपको ट्रिप भी दोनों मिल जाते हैं, ऑडोमीटर मिल जाता है आपको उसके अंदर, बाकी पावर इको मिल जाता है साइड मिल जाती है। एंड इधर आ जाते हैं तो भाई यहाँ पर आपको पासिंग स्विच मिल जाता है आपको साथ में, और डीपर स्विच मिल जाता है आपको, मिलता है इंडिकेटर स्विच, मिलता है हॉर्न स्विच। एंड यहाँ पर मिलता है आपको इनेबल स्विच, ये मिलता है आपको अपना हजार्ड का ऑप्शन, जैसे कि इसको मैंने करा ऑन तो 4 इंडिकेटर आपको ऑन हो चुके हैं, सो करा ऑफ किया बंद हो गया। यहाँ पर मिलता है आपको सेल्फ स्विच, इसके अंदर आपको दिया हुआ असिस्ट का स्विच, वो मिलता है वॉइस कमांड को जैसे मिलता है इसके अंदर, ठीक है। और ओके, और इधर दिखा देते हैं इसका मेन चीज क्या है भाई, अपना इसका पेट खोल देते हैं। हाँ जी, तो भाई ऑन हो गया। हाँ जी भाई, तो भाई यहाँ पर आपको मिलता है USB मिलता है आपको चार्जिंग पोर्ट, एक बार दिखाई देता हूँ आपको इस तरीके से मिल जाता है, दिख गया भाई आपको। एंड भाई यहाँ पर आपको लाइट वगैरह मिलती नहीं है इसके अंदर, बाकी यहाँ पर आपको 21 लीटर का मिलता है अंडर सीट स्टोरेज। इसके अंदर आपको अपना एक फुल फेस जो अपना होता है हेलमेट, आप उसको कैरी कर सकते हो साथ में, थोड़ा सामान के साथ में। बाकी मिलती है टूल किट, मिलती है मेडिकल किट, बाकी ये कुछ मिलती है कुछ ऐसी, ये कुछ पड़ता पड़ता नहीं है। ये मिलता है OBD स्विच। OBD क्या होता है भाई, जैसे कि मान लो बाइक में आपकी कुछ भी स्कैनिंग वगैरह करनी है, क्योंकि इसमें अंदर अब BSS के अंदर ये BSS के अंदर एफ इंजेक्टर आ गया जब से, तो इसमें अंदर आपको मिलती है OBD, क्योंकि भाई जिसमें पूरी स्कूटी में कोई भी दिक्कत आती है, कुछ भी स्कैन स्कूटी स्कैन होगी तो आपको यहीं से वो अपनी होगी, ओके। और बाकी यहाँ पर तो कुछ दिखा दिया मैंने आपको इस तरीके से, इसको कर देते हैं बंद। और आपको जो सीट मिलती है वो मिलती है काफ़ी कंफर्टेबली, इजीली आप 3 बंदे बैठ सकते हो। एनटॉप की ब्रांडिंग मिलती है सीट में अंदर इसकी, और काफ़ी ज़्यादा मिलती है कंफर्टेबल मिलती है सीट इसकी। और एक बार दिखाते हो टैंक खोल अगर आपको, तो ऐसे मिलता है कुछ अपना 5.8 लीटर मिलता है फ्यूल टैंक कैपेसिटी, मोटा मोटा आपको 6 लीटर का आराम से पेट्रोल उसमें आ ही जाएगा, ठीक है। बंद कर दो भाई इसको, हो गया भाई बंद अपनी। और बात करते हैं अपनी स्कूटी की प्राइसिंग की, कितनी पड़ती है आपको ये एक्स शोरूम, ये प्रति आपको 99,121 रुपीज़ की प्रति एक शोरूम। एंड बात करें स्कूटी की ऑन रोड दिल्ली प्राइसिंग की, तो भाई ये प्रति आपको 1,17,800 की प्रति है, मतलब 1,17,800 रुपीज़ की प्रति आपको ऑन रोड दिल्ली प्राइसिंग के अंदर। पढ़ते करते हैं भाई वीडियो को यहाँ पर अपनी एंड, और आप सभी को
मेरी वीडियो चली गई हो तो जाने से पहले मेरी वीडियो को भाई सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपको अपने एक और सी अच्छी सी ऐसी नेक्स्ट वीडियो को, सभी लिए टाटा बाय बाय। आप सभी अपना ध्यान रखें।